हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग आज की वीडियो में। आज वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, थोड़ा अलग सा होने वाला है, बिकॉज आज वाली वीडियो में कोई आपको क्लैश ऑफ क्लैन का गेम प्ले तो देखने को नहीं मिलने वाला। आज मैं आपके साथ कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाला हूँ, कुछ बहुत कुछ जो जो इन दिनों में हुआ या जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, कब किया, वो सब के बारे में अपन आज बात करेंगे। आज का स्पेशल डे, आज चैनल का बर्थडे, आज हमारे एक तरह से मान लो चैनल की एनिवर्सरी। आज हमारे चैनल को कंप्लीट हो चुके 3 ईयर्स ऑन यूट्यूब एंड 3 ईयर्स हम क्लैश ऑफ क्लैन का कंटेंट बना रहे, तो उसी चीज को लेकर के आज मैं इस वाली वीडियो में कवर करूंगा, बात करूंगा जर्नी के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ हुआ, कुछ मेरे लाइफ के पल, जो भी बोलो मतलब लाइक मेरी वीडियोस इंप्रूवमेंट, उन सभी पे बात करने वाला हूँ। तो इफ यू वॉन्ट टू वॉच तो वॉच करो, बाकी देखते कौन कौन वॉच करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लाइक ये फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी चैनल पे, कब हुई थी आप यहाँ पर डेट पढ़ सकते हो, November 22। एंड आज क्या डेट है, आज भी डेट है November 22, 2017 में ये अपलोड हुई थी, बट आज हो चुका है 2020। मीन्स अपन अपनी जर्नी के 3 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। एंड अगर मैं ये प्ले करके दिखाऊँ इसकी क्वालिटी वीडियो की, तो आप खुद ही देख लीजिए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल गेमिंग डीएनएम में। तो आज मैं आपको बताने, जी हाँ, आप जिसको नहीं पता हमारे चैनल की हिस्ट्री, सबसे पहला जो चैनल का नेम था वो था गेमिंग डीएनएम, उसके बाद मैंने नेम चेंज करके रखा था क्लैश विद राणा, एंड देन थर्ड टाइम नेम चेंज हुआ था तो राणा जी गेमिंग, जो कि अभी है, तो उस टाइम गेमिंग डीएनए नाम हुआ करता था। एंड जो अभी मेरा टाउन हॉल 30 मैक्स अकाउंट है, ये वही अकाउंट है जो उस वक्त 3 साल पहले टाउन हॉल 9 था, तो लगभग 5 साल से मैं खेल रहा हूँ ये टाउन हॉल 9 तक आने में 2 साल, बाकी 3 साल 13 मैक्स कर दिया। देखो ये वीडियो की झलक कुछ TH9 की साउंड सेल्स पे। तो दोस्तों बेस्ट आर्मी है दोस्तों ये अटैक की, मैं उस वक्त लावा लून करता था TH9 पे, एंड ये देख सकते हो ये बहुत पुराना अटैक है, मतलब लाइक बहुत टाइम हो चुका है इस वीडियो को। एंड उसके बाद हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी इस वीडियो से, फिर हमारी जर्नी आगे चली, लॉट्स ऑफ चेंजेस हुए, कंटेंट डालते गए, फिर गाइस मतलब फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करते थे हम, करते गए, एंड बहुत टाइम तक हमने अपनी फेस कैम वीडियोस को रिकॉर्ड किया, मतलब फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, पहले केवल गेम प्ले वीडियोस होती थी। एंड उसके बाद टाइम आया कि मेरे को लगा थोड़ा फेस कैम ओवरले जिनके बारे में मेरे को पता चला, तो मैंने कुछ इस तरह की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, 20 लेवल जल्दी से रीच करना है इस अकाउंट में, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा टाउन हॉल 11। तो देख सकते हो यार ये थोड़ा अजीब सा ओवरले भी है, थोड़ा अजीब सी क्वालिटी आपको लग रही होगी। एंड यहाँ से मैंने फेस कैम स्टार्ट किया था उस वक्त में, जब मेरे को नहीं पता था कैसे कुछ फेस कैम करते हैं। एंड मैं इसकी स्टोरी बताऊँ, ये वीडियो कैसे मतलब मैंने रिकॉर्ड करी, मतलब जब मैं ओबीएस से रिकॉर्डिंग नहीं करता था, ऑब्वियसली मैं मोबाइल से अपनी वीडियोज बनाता था। तो गाइज स्टोरी बताता हूँ कैसे मैंने ये वीडियोज रिकॉर्ड करी। एक जो सेकंड मोबाइल होता था उसको मैं यहाँ पर ट्राइपॉड, या फिर कहीं ट्राइपॉड भी नहीं था उस वक्त तो मेरे पास, केवल डब्बे के ऊपर खड़ा कर देता था मोबाइल को, एंड उसमें कर देता था कैमरा ऑन और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता अलग मोबाइल में, फिर मोबाइल उठाता था इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट करता था। तो अब दोनों चीज साथ में कैमरे में देखकर बोलना और यहाँ, तो दोनों अलग अलग होता था। उसके बाद एडिटिंग से मैं वीडियो को अपने एग्जेंडर से ट्रांसफर करता मोबाइल में, फिर एडिटिंग से उसको वीडियो के ऊपर चिपका के इस तरह मैंने ये वाली फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करी है। बट अब तो ओबीएस से होता है, सब कुछ इजी हो चुका है, बट उस टाइम की बता रहा हूँ मैंने ऐसे सबसे पहले फेस कैम वीडियो स्टार्ट करी, एंड फिर आगे अभी क्वालिटी फेस कैम में इंप्रूव करी हमने, अभी आप देख ही सकते हो क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको। तो ये उस समय का था। एंड ये एक शेविंग वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखना, ये भी हमारी एक स्ट्रीम का ही पार्ट कह लो, बहुत अच्छा था, हाईलाइट से अच्छी थी। एंड अब मैं बताऊँ उसके अलावा पॉपुलर अपलोड में हमने बताया पब्लिक को कि 6th बिल्डर कैसे ले, तो वो वाली वीडियो मोस्ट वॉच्ड वीडियो बन चुकी है यूट्यूब पे मेरे चैनल की, एंड 2.9K लाइक्स क्रॉस हो चुके हैं, इसको भी 3K कर देना, एंड 1 lakh+ व्यूज है, 1,18,000 व्यूज आ चुके इस वाली वीडियो पे, एंड आई एम प्राउड टू से दिस इज माय मोस्ट वायरल वीडियो। एंड बाकी भी यहाँ पर बहुत सारी मिलेगी अलग अलग वीडियो क्लैश ऑफ क्लैन की, एंड यही था। एंड फिर आप सभी को पता है ये सुपर दिवाली इवेंट वगैरह कास्ट किए हमने, एंड उसके अलावा हमारी एक सनी वीडियो रहती ही है, ऑब्वियसली ये फनी वीडियो का पार्ट अगर आप देखे नहीं हो तो जरूर से जाकर वॉच करना फनी वीडियोस को, ये सारी फनी वीडियोस है हमारी, एंड ये भी इन पे भी वर्क करना, अपने आप में एक अलग जर्नी थी, अलग मजा था, एंड ये सब। एंड आप सभी ने हमारा साथ दिया यहाँ तक, इतने टाइम तक आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हो, 3 ईयर हो चुके हैं। एंड उसके बाद हमने अपना एक सेकंड चैनल भी बनाया जो राणा जी 2.0 करके चैनल नेम है, एंड यहाँ हम सर्वाइवल गेम अलग अलग गेम खेलते हैं, अमोंग अस अलग, माइनक्राफ्ट वगैरह सब गेम खेलते हैं, तो ये भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, तो ये भी जर्नी का पार्ट है,
सेकंड चैनल। एंड अभी तो चैनल पे वीडियोस आप सभी को देखने को मिल ही रही है, आप सभी को पता है किस तरह की वीडियोस आ रही है अभी। सो इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, 3 साल कंप्लीट किया आगे और भी अभी तो लंबी जर्नी है, क्लैश ऑफ कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करना है। एंड उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट गाइस, हमारी वेबसाइट पे वर्क चल रहा है तो फर्स्ट लुक देख लीजिए, यहाँ सब्सक्राइब नाउ क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपको ले जाएगी मेरे चैनल पर। अबाउट में आओगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे अबाउट के अंदर, कंटेंट में आओगे तो कंटेंट में मेरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगी वो यहाँ पर अपडेटेड होती जाएगी, कॉन्टेक्ट या भी वेबसाइट डिजाइन हुई है अभी चल रहा है वर्क इन प्रोसेस है। सो काफी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है हमारी वेबसाइट पे, एंड निसार भाई हमारी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं सो अभी वर्क इस पे भी चल रहा है, तो ये भी एक मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि भाई चैनल की वेबसाइट भी लॉन्च होगी। तो यही सब कुछ हमारी जर्नी थी, जीरो से स्टार्ट किया था एंड आप सबने लाकर बिठाया 23,000। अब काफी लोग मेरे को बोलते हैं भाई आपको 3 साल हो गए YouTube पे एंड काफी लोग 1 साल में ही 100K सब्सक्राइबर कर लिए क्लैश ऑफ क्लैन में, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ भाई देखो वो कर लिए, पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया, हम भी कर लेंगे अगर आप हमको सपोर्ट करोगे तो कोई अंतर नहीं। अब सब हमारी कम्युनिटी है, पूरी एक कम्युनिटी, हम किसी को ऐसे नहीं देखते कि वो मेरे से आगे, वो हमारा भाई है यार, हम इस नज़र से देखते हैं, सभी ग्रो करें मिलकर, पूरी कम्युनिटी ग्रो करें, यही मेरी एक थिंकिंग है। तो यही बात रही एंड जीरो से जब शुरू करा था कभी नहीं सोचा था इतने प्यार करने वाले भाई लोग मिलेंगे यूट्यूब से, जो सपोर्ट आपने किया। आईपैड चाहिए था जब आईपैड के लिए भी सारी पब्लिक मेरे को सपोर्ट कर रही थी, सारे दोस्त, अब मैं एक एक का नाम तो कैसे लूँ, लाइक टॉक्सिक हो गया, होनेट हो गया, सस्ते नशे के साइड इफेक्ट हो गए, लक्ष्य भाई हो गए और भी बहुत सारे, सीजे सर हो गए, कजुमा हो गया एंड मेरे कुछ अच्छे मॉडरेटर लाइक साई है जिन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया एंड बहुत सारे लोग हैं यार, मैं कितनों का नाम लूँ, मैं नाम भी नहीं ले सकता, इतने भाई मिले मेरे को यूट्यूब जर्नी से। तो सबसे पहले सभी को थैंक्स एंड बस सपोर्ट जो है आपका बनाए रखना चैनल पे, एंड हम भी अपने चैनल पे वर्क कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, कंटेंट और सुधारेंगे और बेटर क्वालिटी में आपको स्ट्रीम दे पाऊंगा। शुरुआत में जब यूट्यूब स्टार्ट किया था कुछ नहीं था यार, ना पीसी था, ना ओबीएस चलाना जानते थे, ना स्ट्रीम का एस पता था, एंड आज इस टाइम पे स्ट्रीमिंग भी आती है, सब कुछ सीखे, इम्प्रूव किया कंटेंट, पब्लिक को कैसे बेटर कंटेंट दे पाए ये सोचा हमने, इसी पे वर्क किया, अभी भी उसी पे वर्क कर रहे एंड करते रहेंगे। तो जर्नी जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट लगाया आपका एंड स्टिल 3 साल में हमारे 23K ही हुए, बट या आई एम हैप्पी। बस पब्लिक चाहे ना 23 से 100K करने में 1 महीना लगेगा, वो आपके ऊपर है, यू गाइज यू आर माई ऑडियंस, जो मेरे को देख रहे हो आपकी मर्जी होगी तो 100K भी क्लोज है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कंटेंट देख लो, अलग अलग टाइप की वीडियोस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ, जो पब्लिक आपको चाहिए होती है कम्युनिटी टैब के थ्रू मैं आपसे पूछता हूँ कि लाइक आपको किस टाउन हॉल पे वीडियो चाहिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ पर पूछा था तो टाउन हॉल 12 को मैक्सिमम वोट मिले 762 में से, तो मैंने टाउन हॉल 12 पे वीडियो बनाया। फिर मैंने पूछा कि किस टाइम स्ट्रीम करें, तो सबने बोला 3 PM, तो आजकल हमारी स्ट्रीम 3 PM होने लग गई। फिर ये तो क्लैन गेम रिवॉर्ड, तो ऐसे कम्युनिटी टैब में भी हम एक्टिव रहते हैं। एंड एक और चीज गाइस, अब मैं आपको दिखाऊँ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वो भी देख लीजिए, आज सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये रहा हमारा इंस्टा, इसको भी आपने यहाँ तक पूछाया, 1.1K फॉलोवर्स करवाए एंड यहाँ भी हम पोस्ट करते रहते हैं, जैसे देख सकते हो बेस का फोटो है मेरे एंड सबसे पहले यहीं पर अपडेट होता है क्लैन गेम वगैरह रिवॉर्ड एंड मेरी कुछ फोटोज। ये हमारा जब सुपर दिवाली में इंटरव्यू हुआ था एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं सुपर दिवाली इवेंट में मेरा इंटरव्यू लिया गया, सौरभ भाई थे, स्पैरो भाई थे, प्रतीक भाई एंड भाई, काफी प्राउड मोमेंट आए। एंड एक टाइम था जब मैं आपको दिखाऊं तो गाइज ये देख सकते हो एंड ये वाला, एंड ये बजा नहीं सकता मैं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, देख सकते हो आप यहाँ पर HBD राणा जी ग्लोबल टॉप करवा दिया था क्लैन। सो ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि HBD राणा जी करके पूरे बर्थडे पे क्लैन टॉप हुआ एंड काफ़ी स्टोरीज वो आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर, फॉलो कर लेना नहीं किया। एंड सेकेंड चैनल, फर्स्ट चैनल, मेन चैनल, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, सभी को थैंक यू। बस इस वीडियो में यही था जो मेरी ये कहानी थी, एक्सप्लेन करी मैंने, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, जो मर्जी हो आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब की। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही एंड ये थोड़ी मेरा एक्सपीरियंस था जो 3 साल में मेरे को लगा, मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बोल तो मैं बहुत सकता हूँ, बट स्टिल बाय बाय टाटा, हैव अ नाइस डे जनता, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसने यहाँ तक देखी बिग सल्यूट मैन, यू आर माई ऑडियंस, यू आर माई भाई लोग, यू आर माई मतलब लाइक फैमिली मेम्बर्स हो यार आप सब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।